वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सृष्टि नेगी पाड़ेसर। आशा और उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ। अभी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है अगस्त मुनि से और कॉलेज से। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी 9 बजे से। तो आज आप देख रहे होंगे घर के यूनिफॉर्म में हूँ। एक्चुअली आज हमको कराना था सेकेंड ईयर का एडमिशन, तो अभी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और इसके बाद लगेगी फ़ीस ऑनलाइन, तो हमको जाना पड़ेगा कंप्यूटर सेंटर में, तो वहीं पर जाके होगा। बाकी आज है शिवानी का बर्थडे, तो शिवानी को बोलना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे। तुम भी बोल दो। थैंक यू। तो फिर कैसा लग रहा है सेकंड ईयर में पहुँच गए हो? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, दिया भी है, आप छुप रही है, पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, अब दो काम करना है आज के दिन पे। एक तो एडमिशन हो गया है और दूसरा काम है हमको जाना है ब्लॉक में, मुझे करवाना है अपना आधार कार्ड अपडेट। एक्चुअली मेरे बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो रखे हैं, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ पे, और इसलिए आज कॉलेज ड्रेस में भी नहीं आए। और शिवानी देगी आज हमको बर्थडे की पार्टी, तो देखते हैं आज शिवानी हमको क्या क्या खिलाती है। आगे ब्लॉग में बने रहिए। चलो जी दोस्तों, आज का मौसम की बात करें ना, काफ़ी हल्की हल्की सी धूप है और बिल्कुल ना अच्छा वाला मौसम हो रखा है जाने के लिए। बाकी मैंने साथ में ना अम्ब्रेला भी रख रखी है, तो चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आगे हैं ऑल इन वन कंप्यूटर एकेडमी। बाकी यहाँ पे देखो भाई, एडमिशन वालों की कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सारे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑल इन वन कंप्यूटर सेंटर में ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम ना कल भरेंगे फीस, क्योंकि हमने बस फीस भरनी है, उसके बाद हमें डिपॉजिट करना है कॉलेज में। क्या पता मैं फ़ोन से ही भरूँ, अभी कुछ पता है नहीं, है ना शिवानी? तो दोस्तों, आजकल एडमिशन के टाइम पर ना ऐसे कंप्यूटर सेंटर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। बाकी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, गंगानगर में ना कल से लाइट नहीं है, इस वजह से ना मेरे फ़ोन पर चार्ज बिल्कुल नहीं था, 1% चार्ज, मतलब रात से सुबह तक चल रहा था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर सेंटर में चार्ज करा है, फिर जाके आप ब्लॉग बना रही हूँ। तो ब्लॉग जितना ही बनेगा, चार्ज जब तक रहेगा, तो चलता है दोस्तों। अभी बाकी धूप भी बहुत हो रही है, पता नहीं ब्लॉग में भी काम होता है नहीं होता है, पूछ के देखते हैं और बताते हैं आपको। तो दोस्तों, यहाँ देखो भाई, विजयनगर में हो रही है लड़ाई। वो चली के बोलना नहीं था, चला गया। ये क्या है सुनामी? तो दोस्तों, ये छाता ना बिल्कुल भी नहीं पक्की है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता लूँ, अभी हम मतलब जा ही रहे थे, यहाँ पे हो गई खतरनाक लड़ाई और हम पिट गए थे। दोस्तों, हम भी आ गए थे वहाँ बीच में, वहाँ पे आज हमारे भी छो भाई, हम बहुत धक्का लग गए थे ना वहाँ पे। पता नहीं क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा, लड़ाई समझ ही नहीं आता है एक दूसरे को। मतलब एक आगे भाग रहा तो दूसरा पीछे से कड़ा और पत्थर लेके आ रहा है उसको मारने के लिए। वीडियो में मैंने छोटा सा क्लिप बना रखी है, आप लोग देख लो भाई। तो ऐसे गुंडा गिरती ना हमारे पहाड़ों में भी होने लग गई है, मतलब एक दूसरे की ना कोई सह नहीं रहा। कोई अगर एक शब्द बोल रहा है तो दूसरा चार शब्द बोल रहा है, तू एक मारा तो मैं तेरे पे चार मारूंगा, तो ऐसा कुछ हो गया है दोस्तों। पहले लड़ाइयाँ ऐसी बाहर होती थी, लेकिन अब हमारे पहाड़ों में भी ऐसे देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है मुझे जब ऐसे कहीं पर लड़ाई देखते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना शिवानी को भी, कि आज तो गए बेटा हम। तो दोस्तों, चलते हैं, क्या करें, लड़ाई तो होती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ से आगे हैं दो रोड, ये सामने वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग के लिए और लेफ्ट वाली रोड जा रही है ब्लॉक में, तो हमको जाना है ब्लॉक में। बाकी शिवानी को ना पता ही नहीं था कि हमको ब्लॉक में जाना है, ये सीधा आगे निकलने लग गई थी, तो फिर हमने इसको बोला कि यहाँ जाना है ऊपर। चलो जी दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं ब्लॉक में। बाकी यहाँ देखो भाई, यहाँ से हमको पैदल ही जाना पड़ेगा और ये सामने पर गाड़ियाँ लग रखी है रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा इस जगह। तो दोस्तों, इससे पहले ब्लॉक में आए थे जिस दिन था हमारा प्रोग्राम, आपने देखा होगा ब्लॉक का, उस दिन हम ना कॉलेज की तरफ से फर्स्ट टाइम आए थे प्रोग्राम कंपटीशन के लिए ब्लॉक में। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और आज आ रही हूँ सेकंड टाइम पे, बस ना काम हो जाए वही बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि इतने देर दूर से आना ना बहुत ही ज़्यादा आफत आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है सामने पर ब्लॉक। तो दोस्तों, इन दोनों को लग गई थी बहुत ही ज़्यादा भूख। क्या खा रहे हो तुम? अमरूद। कहाँ से लाए? बस ये बजे। तो दोस्तों, ये लाए, यहाँ सामने पे है अमरूद का पेड़ और भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो इस पर ना काफ़ी सारे अमरूद हो रखे हैं, अभी कच्चे कच्चे हैं। एक शिवानी ने खाया, एक खाया सपना ने और एक खाया मैंने। बाकी यहाँ भी देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए।
पे बहुत वेट करना पड़ रहा है। मेरा नंबर ही नहीं आया तो सृष्टि बहुत दुखी होगी है। मैं बच्चों को मौका दे रही हूँ। तो वो पहले आए ना तेरे से, देखते हैं कब तक आता है। तो दोस्तों फाइनली हमारा आधार कार्ड अपडेट हो गया है। बाकी हमारी नंबर ना जल्दी आ गया था, एक चाचू है सप्ताह के, तो उनकी बारी थी, उनके बाद ना हमारे नंबर लगवा लिया था। तो दोस्तों भूख भी ना काफी ज्यादा लग गई है, अब चलते हैं मार्केट की ओर। बाकी अभी ना मुंह भी ना अजीब सा हो रहा है, मतलब गढ़वाली बोलते हैं ना रग रिया टूट उची, कि लेकिन सवेर भी टिनखे कुछ नहीं, तो यहाँ वजह से तो चल रहा छीन। दोस्तों ये दोनों जा रहे हैं सामने वाली शॉप पे समोसा लेने के लिए, और हम खाएंगे यहाँ पे चौमिन श्री बेकर्स एंड फास्ट फूड में। बाकी देखो भाई यात्रा वाली गाड़ी भी ना काफ़ी सारी दिखाई दे रही है इधर साइड, यहाँ सामने पे लगी रहती है गुप्तगाशी गाड़ियाँ। और दोस्तों यहाँ पे चौमिन बनाती है आंटी जी। बाकी ये देखो भाई सपना के समोसे भी आ गए। सपना चौमिन नहीं खाती क्यों? उसे मेरे पेट में कौबो कौबो जी यार। लुटेरों का लुटेरा चेहरा ये तेरा है जो मेरी जान से प्यारा मुझे शुक्र है खुदा जो उसने बना सामने हो। चलो जी दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं गंगानगर में। आज हमारे ना सारे काम निपट गए हैं और मैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई हूँ, वरना हम ना लेट से आते तो टाइम से ही हम घर आ गए हैं। आधार कार्ड भी जल्दी हमारा अपडेट हो गया है, मतलब हो जाएगा 24 घंटे बाद, लेकिन मेन काम हो गया है ब्लॉग में, वरना ना वहाँ पर काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है, नंबर आता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। एक ही सेंटर हो गया और वहीं पर सारे इतने सारे गाँव के लोग वहीं आते हैं। बाकी अभी हम गाड़ी से आए क्योंकि पैदल बहुत जाते हैं भाई, और हमने हिम्मत भी बिल्कुल नहीं थी कि खा के हमने पैदल चल सके। तो अब घर जाएंगे, देखते हैं खाना बनता है नहीं बनता है। आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी पेटू है, अभी भी खाना खाएगी तो क्या करें, पेट है खाना तो है ही। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5, बाकी मैं अभी उठी और मैं जा रही हूँ शॉप में मम्मी का रिचार्ज करवाने के लिए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8, बाकी मैंने रात को ना डिनर बना के भी रेडी कर लिया है, उसके बाद ना पढ़ाई करने के लिए होता है, वरना एक टेंशन रहती है कि भाई डिनर भी बनाना है, डिनर भी बनाना है, डिनर भी बनाना है। तो मैंने आज बनाई है कद्दू की सब्जी और पराठे, तो आपको भी दिखाती हूँ। चलो जी दोस्तों अभी मैंने डिनर भी कर दिया है और अब मैं करती हूँ पढ़ाई। बाकी आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग कुछ ऐसे रहा दोस्तों, लड़ाई भी देखी और ब्लॉग के काम भी हुए, काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा है ये सब देख के, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को भी ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मैं सृष्टि नेगी, मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार।